नमस्कार। आज हम स्टार्ट करते हैं, इसमें हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉडल कौन कौन से। अब देखो, मॉडल के अंदर हम दो प्रकार पढ़ेंगे अलग अलग से। एक तो सबसे पुराने मॉडल कौन से हैं वो, और एक पढ़ेंगे नए मॉडल कौन से हैं वो। अब देखो, यहाँ पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में मॉडल्स, मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। और मॉडल्स में दो प्रकार के मॉडल हैं, ये आपको थोड़े याद रखने। एक तो पढ़ेंगे पुराने या उदाहरण यानी ओल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर के पुराने मॉडल जो शुरू में दिए गए। एक पढ़ेंगे न्यू कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट, नई अवधारणाएं पढ़ेंगे। अब देखो, पुरानी अवधारणाओं के अंदर हम पढ़ेंगे तीन मॉडल मेन। एक पढ़ेंगे परमाणु संरचना का थॉमसन मॉडल। एक का नाम तो क्या है, परमाणु संरचना का थॉमसन मॉडल। एक पढ़ेंगे दो नंबर सेकंड, परमाणु संरचना का रदरफोर्ड मॉडल, परमाणु संरचना का रदरफोर्ड मॉडल। और एक पढ़ेंगे तीसरा, तीन नंबर, परमाणु संरचना का बोर मॉडल, परमाणु संरचना का बोर मॉडल 1904 में, रदरफोर्ड 1911 में, नील्स बोर 1913 में। और नई अवधारणा है जो है ना, न्यू कंसेप्ट, इसमें पढ़ेंगे एक तो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, आइंस्टीन के द्वारा 1905 में दी गई। आगे अलग से पूरा पढ़ेंगे इसके बारे में। दूसरा पढ़ेंगे यहां पर डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन यानी समीकरण, 1922 में लुइस डी ब्रोगली फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने दी, कैसे वो इसके बारे में अलग से करेंगे। किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन, पीछे फर्स्ट ग्रेड में इसमें क्वेश्चन भी आया है, डी ब्रोगली समीकरण का रूप पूछ लिया, उसमें पूछने का तरीका बहुत अजीब था, आपको बताएंगे इसमें। उसके बाद एक इसमें करेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत 1927 में जर्मन वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग ने दिया ये अनिश्चितता का सिद्धांत। और चौथा इसमें करेंगे यहां पर फिर श्रोडिंगर इक्वेशन करेंगे, एक श्रोडिंगर समीकरण क्या है उसके बारे में थोड़ा लिखेंगे, क्वांटम वाला पार्ट भी थोड़ा सा आपके सिलेबस में एक टॉपिक। और फिर इसमें करेंगे हम सोमरफील्ड का विस्तार, किस प्रकार से सोमरफील्ड ने क्या किया, बोर मॉडल को आगे और विस्तारित किया। ये यानी इनके मॉडल में हमें ये बातें पढ़नी है, और एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। तीन मॉडल थे पुराने वाले थोड़े से, और ये अवधारणा इन्हीं कंसेप्ट में आपको ये चार पांच कंसेप्ट आपको अलग से पढ़नी है। ये तो है परमाणु संरचना के मॉडलों को हम दो प्रकार में बांटेंगे, और फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पुरानी अवधारणाएं, और पुरानी के अंदर थॉमसन मॉडल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद रदरफोर्ड, उसके बाद बोर, और बोर वाले मॉडल में से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं किस तरह से आएंगे वो उसमें करेंगे। तो फर्स्ट लिखो इसमें परमाणु संरचना का थॉमसन मॉडल, पहले लिखो पुरानी अवधारणाएं, लिख लो परमाणु संरचना की पुरानी अवधारणाएं लिख के, और इसमें लिखो फर्स्ट लिखो पहला नंबर एक, पहला पॉइंट लिखो परमाणु संरचना का थॉमसन मॉडल, पहला लिखो परमाणु संरचना का थॉमसन मॉडल, पहला परमाणु संरचना का थॉमसन मॉडल, परमाणु संरचना का थॉमसन मॉडल। और सबसे पहले इसी के नाम से है ये नाम कभी नहीं आता कि थॉमसन मॉडल किसके द्वारा दिया गया। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था, पीछे एक बार थर्ड ग्रेड की भर्ती हुई ना, उसमें क्वेश्चन आया था खेतड़ी महल कहाँ है, और खेतड़ी महल बोले खेतड़ी के अंदर ही है, झुंझुनू के अंदर खेतड़ी एक कस्बा है, तो वहां खेतड़ी के अंदर अधिकतर 90% के खेतड़ी के अंदर ही, लेकिन वास्तव में खेतड़ी महल नाम से छात्रावास है एक, कहां पर, झुंझुनू के अंदर खेतड़ी महल है, झुंझुनू के अंदर नाम खेतड़ी महल, उस तरह से नहीं है यहाँ। यहाँ थॉमसन मॉडल थॉमसन का ही है, लेकिन इस मॉडल का ये नाम नहीं आता, इसके अलग से दो तीन नाम है वो आपको याद रखने। और इस मॉडल में केवल एकमात्र यही प्रश्न बनता है इसमें
इस मॉडल के नाम जो है वो हम याद रखने हैं। अब देखो थॉमसन ने 1904 में यह मॉडल दिया और थॉमसन ने इस मॉडल के बारे में उसने क्या कहा, क्योंकि थॉमसन जो था यह था खाने का प्रेमी, खाना उसको ज्यादा पसंद था। और एक बार किया जब ये रेस्टोरेंट में गया, पाश्चात्य कंट्री का था ये, तो रेस्टोरेंट में गया तो वहां पर क्या है कि पकवान बनता जिसको बोलते पुडिंग पकवान, क्या बोलते इसको पुडिंग पकवान, इस तरह से देखो यू। और पुडिंग पकवान है ना रेस्टोरेंट के अंदर के इस तरह से प्लेट के अंदर डाल के अपने भी पकवान होते है ना, जैसे खिचड़ी दलिया अपने पकवान ये, तो वहां पर क्या करते प्लेट के अंदर है ना एक रोटी की तरह, यानी एक पकवान उसको बोलते पुडिंग पकवान, जैसे ये प्लेट के अंदर डाल दिया पुडिंग पकवान। और डालने के बाद क्या करते हैं इस पुडिंग पकवान के बीच बीच में, यानी देखने में थोड़ा अच्छा लगे तो क्या करते हैं उसके बीच बीच में क्या है पलम नामक फल रख देते हैं। और जैसे अपने भी जनरल यहाँ रेस्टोरेंट में गर्म करते हैं ना कोई भी कोई आप डिश बनवाओ उसके अंदर बीच में क्या है कोई प्याज काट के रख दिया, टमाटर रख दिया कहीं पर क्या है, यानी एक यानी कोई लकड़ी की सहायता से कोई नींबू लटका दिया, ऐसे होते रहते हैं। तो यानी थोड़ा देखने में अच्छा लगे, जो ग्राहक है उसके मुंह में जल्दी से क्या है तुरंत पानी आ जाए, खाने की इच्छा हो, अच्छा लगे, उसने क्या करते हैं इस पुडिंग पकवान जो है ना इस पुडिंग पकवान के बीच में क्या है इस तरह से पलम नामक फल रख देते हैं, यूं ऐसे बेर के समान फल होते हैं पलम नामक फल, इन पलम फलों को इनके बीच बीच में रख देते हैं इस तरह से। और बीच में रखने के बाद ये पलम फल है, तो ये तो पुडिंग वाला भाग है, ये तो क्या है पुडिंग पकवान वाला भाग है। और ये जो है ना ये फल है ये कौन से है, ये पलम फल है, ये पलम फल है। और जब ये पकवान तैयार करके थॉमसन के सामने लाया गया तो लाते ही थॉमसन के दिमाग में तुरंत यानी परमाणु संरचना का आइडिया आया, क्यों, कारण क्या है, क्योंकि अगर हमारे सामने लाए तो हमारे दिमाग में क्या आए तुरंत इसको खा जाए। और यही अंतर होता है वैज्ञानिक की सोच में और अपनी सोच में। कारण क्या था कि 1904 तक केवल परमाणु में दो ही भागों की चर्चा हो रही थी कि परमाणु में एक तो धनावेशित भाग है और एक क्या होता है परमाणु में ऋणावेशित भाग होता है, और इन्हीं की खोज कर रहे थे कि ये कहां पाए जाते हैं। और ये पकवान देखते ही तुरंत क्या है थॉमसन के दिमाग में एक आइडिया है, उसने कल्पना की, उसने कहा कि हो सकता है परमाणु की संरचना भी इसी प्रकार से हो, क्योंकि इस पकवान के भी दो भाग है पुडिंग वाला भाग और एक क्या है पलम फल वाला भाग। और ये देख के उसने एक कल्पना कर दी कि परमाणु की संरचना इसी प्रकार से है, और उसने कहा कि परमाणु के अंदर जो धनावेशित भाग है प्रोटोन वाला वो क्या इस पुडिंग पकवान की तरह क्या है इस पूरे परमाणु के अंदर फैला रहता है, ये क्या है प्रोटोन वाला भाग, प्रोटोन या परमाणु का धनावेशित भाग बताया गया, परमाणु का धनावेशित भाग है। और पलम फल जो है ना ये क्या है, अब दूसरा क्या था इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, ये क्या है परमाणु के धनावेशित भाग के अंदर बिखरे पड़े रहते हैं ऐसे जैसे पलम फल बिखरे हुए हैं, तो उसने कहा कि ये क्या है परमाणु का इलेक्ट्रॉन वाला भाग है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेशित भाग है, ऋणावेशित भाग। और ये उसने आगे सबके सामने प्रदर्शित कर दिया कि परमाणु की संरचना ऐसी है, उसने कल्पना करके बताया कि परमाणु में धनावेशित भाग तो पूरे परमाणु के अंदर क्या फैला रहता है, पूरा परमाणु धनावेशित भाग से मिलकर बना हुआ है और इस धनावेशित भाग के बीच बीच में क्या है इलेक्ट्रॉन बिखरे रहते हैं। और इसने ये मॉडल दिया और इसी मॉडल का इसी डिस्क के नाम से क्या नाम रख दिया परमाणु संरचना का पलम पुडिंग मॉडल, ये पेपर में नाम लिखा हुआ है परमाणु संरचना का पलम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया, ये नाम एक तो याद रखना है थॉमसन मॉडल में परमाणु संरचना का पलम पुडिंग मॉडल, या फिर इस प्रकार से आता है कई बार परमाणु संरचना का रेजिन पुडिंग मॉडल, पुडिंग मॉडल ये लिखा हुआ आता है कई बार, रेजिन मॉडल लिख देते हैं कई बार इसको, रेजिन मॉडल भी बोलते हैं रेजिन की तरह। या फिर अब देखो ये बात उड़ते उड़ते भारत तक पहुंची, हमारी इंडिया में आई, भारत में आई, और भारत के वैज्ञानिकों के पास ये तो था नहीं पकवान, खाने के लिए क्या मिलता तरबूज, और उन्होंने कल्पना की कि तरबूज में भी दो भाग है, एक तो खाने वाला भाग लाल वाला भाग जिसको बोलते गिरी बोलते हैं गिरी वो वाला भाग, और एक उसके बीच बीच में क्या बीज बिखरे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे पुडिंग वाला भाग है ना पुडिंग पकवान में वैसे हमारे तरबूज के अंदर खाने वाला भाग है, और पलम फल है वैसे हमारे क्या है इलेक्ट्रॉन है। तो उसने कहा कि
हमारे वैज्ञानिकों ने क्या कह दिया कि इलेक्ट्रॉन बिखरे रहते हैं तरबूज के बीजों की तरह, और प्रोटोन है वो तरबूज के खाने वाले भाग की तरह है। इसलिए इसका एक नाम और क्या हो गया, परमाणु संरचना का वाटरमेलन मॉडल, तरबूज मॉडल भी बोलते हैं, परमाणु संरचना का वाटरमेलन मॉडल या परमाणु संरचना का तरबूज मॉडल भी कहते हैं। ये तीन पॉइंट याद रखने आपको, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन मॉडल और तरबूज मॉडल, किसके द्वारा दिए गए, थॉमसन के द्वारा दिए गए। ये एग्जाम में यही पॉइंट आते हैं, बस आते हैं तो वर्सन इसमें से क्वेश्चन यही बनता है बस, इनमें कोई नाम लिख दें और ये मॉडल किसके द्वारा दिए गए, तो किसके द्वारा दिए गए, थॉमसन के द्वारा दिए गए हैं। दूसरा पॉइंट थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि थॉमसन ने पुडिंग वाले भाग की तुलना किसके साथ की, प्रोटोन के साथ, और पलम फल वाली इलेक्ट्रॉन की तुलना किससे की, ऋणावेशित भाग यानी पलम फल के साथ की। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, एक लाइन लिखनी है बस, बाकी आपको ये डायग्राम बनाना है। तो तुरंत आप क्या लिखो, ये तीन पॉइंट लिख लो, परमाणु संरचना का पलम पुडिंग मॉडल, परमाणु संरचना का रेजिन पुडिंग मॉडल, परमाणु संरचना का तरबूज मॉडल, अगले को जनक लिख लो थॉमसन है ही। और फिर ये डायग्राम बना लो, कौन सा भाग किसके द्वारा दर्शाया गया, ये थोड़ा आपको याद रखना है ना। और इसमें फिर आपको एक पॉइंट लिखना है कि परमाणु की संरचना में धनावेशित भाग, पॉजिटिव भाग प्रोटॉन वाला है ना, धनावेशित भाग संपूर्ण परमाणु में यानी कंप्लीट पूरे परमाणु में, संपूर्ण परमाणु यानी एटम में फैला रहता है तथा इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के धनावेशित भाग में, इस परमाणु के धनावेशित भाग में बिखरे रहते हैं। ये आपको लिखना है बस। ये तो क्या है, परमाणु संरचना का थॉमसन मॉडल, इसमें आपको इतना याद रखना है। फिर ये थॉमसन मॉडल जो है इसकी कमियां रहेगी, क्या रहेगी इसमें, क्या कमियां रहेगी, कमी में लिखेंगे, जल्दी से इसको उतारो, तीन नाम उतार लो, वो इसका चित्र बना लो, इस चित्र में कौन से भाग को क्या कहा गया वो, और फिर एक पॉइंट ये लिखना है, थॉमसन के अनुसार परमाणु का धनावेशित भाग पूरे परमाणु के अंदर क्या है, फैला रहता है, और इसके बीच बीच में क्या इलेक्ट्रॉन बिखरे रहते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद इस थॉमसन मॉडल की कमियां क्या रहेगी, अब कमियों में एक दो पॉइंट आपको याद रखनी है यहां, और पॉइंट क्या याद रखनी है, थॉमसन मॉडल की कमी में। अब देखो पहली कमी तो क्या थी, नंबर एक, ये मॉडल क्या था, एकमात्र काल्पनिक थी, ये कल्पना की थी उसने, ये क्या है, काल्पनिक मॉडल है, हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक मॉडल। कमी में क्या लिखोगे, अगला हेडिंग क्या लिखोगे, थॉमसन मॉडल की कमियां। तो कमियों में पहला तो काल्पनिक मॉडल, कल्पना पर आधारित था, और आपको बताया साइंस में कल्पनाओं को कोई स्थान नहीं है, इसलिए इस मॉडल को प्रायोगिक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सका, और जिस चीज को प्रैक्टिकली सिद्ध नहीं कर सके उसको विज्ञान में मान्यता नहीं मिलती है, इसलिए इस मॉडल को छोड़ दिया गया कि यह सही नहीं है, इसको हम प्रैक्टिकली सिद्ध नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो मॉडल अगर इसको सही मान ले तो इस मॉडल के हिसाब से कि हम परमाणु संरचना की जो आधुनिक अवधारणाएं हैं, मॉडर्न कंसेप्ट है, उनको इस मॉडल से हम समझा नहीं सकते। तो एक पॉइंट ये कि परमाणु संरचना की आधुनिक कंसेप्ट, आधुनिक अवधारणाओं या कंसेप्ट, आधुनिक अवधारणाओं या कंसेप्ट की व्याख्या नहीं की जा सकती, ये याद रखना है। फिर तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, अब देखो थॉमसन ने क्या कहा कि नाभिक यानी ये परमाणु का धनावेशित भाग है, ये बिखरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन इसके बीच में से फैले हुए हैं, पूरा धनावेशित भाग फैला हुआ है, इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो अगर हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम प्राप्त करते यहां पर परमाणु का, और परमाणु का स्पेक्ट्रम आता तो क्या आता, बिल्कुल सतत आता, लगातार कंटिन्यूअस इस हिसाब से आता। लेकिन वास्तव में परमाणु का स्पेक्ट्रम क्या होता है,
रेखीय यानी लाइनें प्राप्त होती है, आगे करेंगे हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम, तो लाइनें प्राप्त होती है यानी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में नहीं होता, इसकी व्याख्या भी हम इस मॉडल से नहीं कर सकते। तो इसमें क्या लिखोगे, इस आधार पर या किस आधार पर, कौन आधार, थॉमसन मॉडल, इस आधार पर परमाणु का स्पेक्ट्रम, तो परमाणु का स्पेक्ट्रम हमेशा क्या होता है, रेखीय होता है, लाइन स्पेक्ट्रम, और अणु का होता है बैंड स्पेक्ट्रम, यौगिक का लिखते हैं कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल स्पेक्ट्रम, आगे लिखा देंगे पूरा ये। इस आधार पर परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होना चाहिए, सतत प्राप्त होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए, लेकिन परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है, रेखीय होता है, इसकी व्याख्या थॉमसन मॉडल से नहीं कर सकते, थॉमसन मॉडल से नहीं कर सकते। और यही कमी है ना, आगे हम रदरफोर्ड मॉडल के अंदर भी लिखेंगे, यही कमी है ना, रदरफोर्ड वाले मॉडल में लिख देंगे। तो मेन ये दो ही है, ये काल्पनिक है, और इसकी आधुनिक संरचनाओं या आधुनिक अवधारणाओं की व्याख्या आप इस मॉडल से नहीं कर सकते। तो याद रखना है मॉडल के आपको तीन नाम याद रखने हैं बस, और कौन सा भाग क्या है ये थोड़े से आपको चित्र से याद रखना है। ये तो है परमाणु संरचना का क्या है, थॉमसन मॉडल, किसके द्वारा दिया गया, थॉमसन के द्वारा दिया गया, उतार लो जल्दी से ये। तो थॉमसन मॉडल में इतनी बातें याद रखनी है बस। इसके बाद सेकंड मॉडल दूसरा, और दूसरा मॉडल किसका है, वो है रदरफोर्ड का मॉडल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी रदरफोर्ड ने, आज हम मानते हैं ना परमाणु की संरचना कि परमाणु के बीच में नाभिक और इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं, सबसे पहले यह अवधारणा या यूं कह दे सबसे पहले यह बात सिद्ध करने वाला व्यक्ति कौन है, रदरफोर्ड ही है। तो आज हम मानते परमाणु की संरचना वो रदरफोर्ड के द्वारा ही दी गई है, और पहला ऐसा वैज्ञानिक था रदरफोर्ड जिसने परमाणु की संरचना को प्रैक्टिकली उसने सिद्ध कर दिया, यानी उसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो कई बार पेपर में प्रश्न आता है ये कि परमाणु संरचना को सर्वप्रथम प्रायोगिक आधार देने वाला वैज्ञानिक, सबसे पहले प्रैक्टिकली परमाणु संरचना को दर्शाने वाला वैज्ञानिक, तब किसका नाम आएगा, तब आएगा रदरफोर्ड का नाम। तो अगला लिखो सेकंड मॉडल, लिखो दूसरा परमाणु संरचना का रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, परमाणु संरचना का रदरफोर्ड मॉडल। अब देखो रदरफोर्ड मॉडल में है क्या, सबसे पहले तो किसके द्वारा दिया गया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा 1911 में दिया गया, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, यानी परमाणु की संरचना बताने वाला पहला व्यक्ति है, प्रैक्टिकली बताया इसने, इसलिए कई बार पूछे थे पेपर में प्रश्न कि परमाणु का जनक, तब किसका नाम आता है, डाल्टन का। अगर आ जाए ना परमाणु का जनक, तब किसका नाम आएगा, डाल्टन का नाम आएगा। और अगर ये आ जाए परमाणु संरचना का जनक, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना का जनक आ जाए तब किसका नाम आता है, रदरफोर्ड का नाम आता है। तो यहां पर हम एक पॉइंट आपको और याद रखना है, याद रखना है परमाणु संरचना का जनक, परमाणु संरचना का जनक, संरचना का जनक किसका नाम आएगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड का नाम आएगा परमाणु संरचना के जनक में, ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट जो है ना, सबसे पहले परमाणु संरचना को प्रैक्टिकली बताने वाला व्यक्ति कौन है, यही रदरफोर्ड है। इसलिए कई बार ये प्रश्न भी आता है कि सर्वप्रथम परमाणु संरचना को प्रायोगिक रूप देने वाला व्यक्ति कौन है, रदरफोर्ड है। तो एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम परमाणु संरचना को, सर्वप्रथम परमाणु संरचना को, परमाणु संरचना को प्रायोगिक, प्रायोगिक आधार देने वाला वैज्ञानिक, आधार देने वाला
वैज्ञानिक सर्वप्रथम परमाणु संरचना को प्रायोगिक आधार देने वाला वैज्ञानिक, तब किसका नाम आएगा? रदरफोर्ड का। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु संरचना का जनक आ जाए रदरफोर्ड है, और परमाणु संरचना को सर्वप्रथम प्रैक्टिकली दर्शाने वाला व्यक्ति कौन है? रदरफोर्ड है। और इसने क्या किया, रदरफोर्ड ने अपनी परमाणु संरचना को समझाने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, यानी प्रयोग किया उसने, एक उसने एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग किया। और इस प्रयोग को उसने फिर किया, तीन भागों में बांटा है अपने एक्सपेरिमेंट को। सबसे पहले उसने क्या प्रयोग किया, क्या क्या काम में लिया, यानी उस एक्सपेरिमेंट में क्या वस्तुएं काम में ली और किस प्रकार से किया, वो हम इसमें पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट में यानी इसके प्रयोग में, प्रयोग में ज्यादा नहीं, दो तीन बातें याद रखनी है, एग्जाम में पूछने वाली कौन सी है वो। उसके बाद प्रयोग के बाद उसमें आगे उसने क्या देखा, किस में आएगा? ऑब्जर्वेशन यानी इसके परीक्षण के अंदर आएगा कि इसका ऑब्जर्वेशन यानी उसने क्या देखा उस प्रयोग में, वो देख रहेगी। उसके बाद लास्ट में तीसरा उसका निष्कर्ष क्या निकाला, उसने जो देखा प्रयोग में उसका लास्ट में उसने निष्कर्ष कैसे निकाला, परमाणु संरचना वगैरह उसने क्या बताया, उसके निष्कर्ष या उसके लास्ट रिजल्ट में लिखेंगे। तो परमाणु संरचना को इसने तीन भागों में बांटा, ये हम तीन भागों अलग अलग करेंगे इसी प्रकार से एक चार्ट बनाकर। पूरा याद करने की आवश्यकता नहीं है, पूरी राम कहानी आपको सिर्फ हर एक पॉइंट में से दो तीन पॉइंट मेन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से पेपर में उन्हीं में प्रश्न आते हैं, प्रयोग में क्या काम में लिया, प्रेक्षण में क्या देखा, निष्कर्ष में क्या लास्ट में निकाला, वो चीज करेंगे हम इसमें। ये पहले ही आप दो पॉइंट लिख लो, ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा 1911 में दिया गया। फिर लिख लो अगला पॉइंट, परमाणु संरचना का जनक रदरफोर्ड है। फिर अगला लिख लो, सर्वप्रथम परमाणु संरचना को प्रायोगिक आधार देने वाला वैज्ञानिक कौन है? रदरफोर्ड है, लिख लिया। इसके बाद इस मॉडल के तीन चार नाम है जो आपको याद रखने हैं, और पेपर में कई बार इनके नाम लिखे आते हैं। अब नाम जो है ना इसके एक्सपेरिमेंट में करेंगे, तब इसमें आगे आते जाएंगे तब नाम बताते जाएंगे। अब नाम में आपको याद रखना, एक तो ये पहला नंबर एक, इसको परमाणु संरचना का स्वर्ण पत्री प्रयोग कहते हैं, सोने की पन्नी वाला प्रयोग, ये आगे आ जाएगा क्यों कहते हैं। एक तो इसके मॉडल का ये नाम, परमाणु संरचना का स्वर्ण पत्री प्रयोग किसके द्वारा दिया गया, तब रदरफोर्ड का नाम आएगा, एक तो पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट सेकंड, उसने किस प्रकार से अल्फा कणों का यूज किया, कई बार ये लिखा होता है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, कई बार ये आता है परमाणु संरचना का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसके द्वारा दिया गया, अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टाइल एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा दिया गया, एक ही आ जाए। या इसमें आता है कई बार परमाणु संरचना का सौर मॉडल, क्या बोलते हैं इसको, परमाणु संरचना का सौर मॉडल किसके द्वारा दिया गया, जैसे सौर परिवार है ना, सौर परिवार के अंदर क्या है, सूर्य के चारों ओर जैसे ग्रह उपग्रह चक्र काट रहे हैं, ऐसे ग्रह के चारों ओर उपग्रह, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्र काट रहे हैं, वैसे नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्र काटते हैं, इसने बताया था रदरफोर्ड ने, इसलिए इसको सौर मॉडल भी बोलते हैं। और इसी प्रकार से ग्रह के चारों ओर काटेंगे चक्र उपग्रह, जिसको ग्रह मॉडल भी बोलते हैं, प्लेनेट मॉडल। तो परमाणु संरचना का ग्रह मॉडल या प्लेनेट मॉडल किसके द्वारा दिया गया, रदरफोर्ड के द्वारा। इसके चार पांच नाम है याद रखने आपको, और कई बार पेपर में ये नाम पूछ लेते हैं। तो परमाणु संरचना का स्वर्ण पत्री प्रयोग, या कहते हैं परमाणु संरचना का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग नाम आ जाए, या आ जाए परमाणु संरचना का सौर मॉडल नाम लिखा हुआ आ जाए, या परमाणु संरचना का ग्रह मॉडल नाम लिखा हुआ आ जाए, ये चारों आपको नाम याद रखनी है। परमाणु संरचना के रदरफोर्ड मॉडल के चार नाम है। अब इस नाम के बाद इसमें किस प्रकार से उसने ये नाम आए, इसके कौन कौन सी चीजें काम में ली, ये नाम कैसे आ गए, ये नाम कैसे है, ये नाम कैसे आ गए, इसमें आगे इसके बाद करेंगे। तो पहले जल्दी से आप इसको उतारो, फटाफट जल्दी उतारो, ये चार नाम उतार लो, ये रदरफोर्ड मॉडल के चार नाम है जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद उसने अपने इस मॉडल को तीन भागों में बांटा है, रदरफोर्ड मॉडल, और तीन भाग कौन कौन से अभी बताए मैंने, एक तो उसने एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग किया, प्रयोग में उसने क्या देखा, प्रयोग। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रयोग के बाद उसमें क्या ऑब्जर्वेशन में आया, यानी उसके प्रेक्षण क्या है, लास्ट में क्या है उसका निष्कर्ष। इस प्रकार से आप चाहो तो यूं एक टेबल बना सकते हो, इस टेबल के अंदर आप इन तीनों के बारे में लिख सकते हो, मॉडल रदरफोर्ड का, इस मॉडल के तीन भाग, एक दो और तीसरा भाग, ये तीन,
तीन भाग में, पहला नंबर एक प्रयोग, यानी एक्सपेरिमेंट किया उसने, एक्सपेरिमेंट। दूसरा क्या प्रेक्षण रहा, किस में आएगा, ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण में। तीसरा उसने क्या निष्कर्ष निकाला, रिजल्ट में आ जाएगा ये, यानी इसका लास्ट में कंक्लूजन क्या रहा, निष्कर्ष क्या रहा, यानी रिजल्ट क्या रहा, इसका परिणाम क्या रहा। अब देखो प्रयोग के अंदर ज्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा सा याद रखना है उसने प्रयोग में क्या काम में लिया। नंबर एक तो याद रखना है उसने स्वर्ण पत्री का उपयोग किया, बिल्कुल पतली सी सोने की पन्नी काम में ली हूं, क्या काम में ली है, स्वर्ण पत्री, सोने की पन्नी काम में लिए, ये याद रखना एक पॉइंट तो ये। अब यहां पर जो उसने सोने की पन्नी काम में ली, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु, सबसे अधिक मिलेबल मेटल जो ना आघात वर्धनीय, मतलब जिस पर चोट करके आप जितना चाहो उसको आप फैला सकते हो, उसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता, और बोलते हैं तन्यता, खींचोगे तो इसके लंबे तार बढ़ जाएंगे। और ये कहते हैं कि एक ग्राम सोने से लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबा तार बना सकते, इतना अधिक आघात वर्धनीय तन्य है सोना। तो क्या कि उसने सोने की पन्नी यानी सोना लेकर उसको बिल्कुल बारीक सी पन्नी बना दी सोने को पीट पीट के, और ये पन्नी जो है सवन पत्री। अब पेपर प्रश्न क्या आता है, जो रदरफोर्ड ने सवन पत्री काम में ली इसकी मोटाई कितनी थी, ये याद रखना है। यहां सवन पत्री सबको याद है कि सोने की पन्नी, इसलिए इसका मॉडल का नाम क्या है, परमाणु संरचना का सवन पत्री प्रयोग बोलते हैं। लेकिन इस सवन पत्री की मोटाई कितनी है वो हमें याद रखना है, और मोटाई के अंदर याद रखना है एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 परमाणु मोटी, क्या है, 1000 परमाणु मोटी है ये सोने की पन्नी। और परमाणु की साइज जो लिखते हैं ना हम, क्या लिखते हैं, 10^-10 मीटर, आगे लिखाएंगे सी मॉडल में आगे आएगा नाभिक परमाणु की साइज, दोनों में कितना अंतर है वो। तो 1000 परमाणु मतलब एक परमाणु इसके पास दूसरा तीसरा चौथा पांचवा से 1000 परमाणु लगा दी, इतनी मोटी सोने की पन्नी, 1000 परमाणु मोटी। और 1000 परमाणु मोटी करें ना, परमाणु की साइज 10^-10 मीटर होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 1000 से अगर इस गुना करें 10^-7 मीटर, कितना है, 10^-7 मीटर मोटी कह सकते हो। या इसको नैनोमीटर में चेंज करें ना, तो इसको लिख देंगे 100 यानी 100 नैनोमीटर मोटी। ये तीनों मान याद रखने हैं आपको, पहला पॉइंट तो ये, उसने सोने की पन्नी काम में ली, स्वर्ण पत्री की मोटाई याद रखनी है कितना, 1000 परमाणु मोटी आ जाए, या 10^-7 मीटर मोटी आ जाए, या 100 नैनोमीटर मोटी आ जाए स्वर्ण पत्री का, उसको काम में लिया सोने की पन्नी काम में ली। अब देखो उसने इस सोने की पन्नी पर क्या किया, उसने इस स्वर्ण पत्री पर अल्फा कणों की बौछार करवाई, क्या करवाई, अल्फा कणे से, इस तरह से अल्फा कण इसके ऊपर टकराए आके, इस तरह से अल्फा कणों की बौछार करवाई। अब यहां याद रखने वाला पॉइंट क्या है, पेपर में बहुत बार आता है ये, और अल्फा कण क्या है, क्या है कि अल्फा कण क्या, और एक बार फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन भी आया ये, अल्फा कण होते हैं, और अल्फा कण जहां नाम आ जाए ना वहां आप याद रखना, हीलियम होता ना, हीलियम को लिखते हैं ऐसे 2, 4, ये हीलियम का परमाणु है, और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 1s2 लिखेंगे ऐसे, इसका मतलब अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो यू नाभिक, इसके चारों ओर के इलेक्ट्रॉन चक्र काटते हैं ऐसे, और अगर हम देखें इसमें कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या नीचे वाली है, कितने न्यूट्रॉन है, ऊपर वाले मान में नीचे वाला मान घटा दें, कितने आगे, 2 न्यूट्रॉन आगे, 4 - 2, 2 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देखे ना तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये हीलियम है। और अगर इसको मैं हीलियम +2 कर दूं, मान लो ऐसे, तो +2 करते 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहां पर क्या हो गया, 0, और 0 होते ही ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, अब इसमें क्या बचा, देखो बताओ क्या बच गया, ये न्यूक्लियस यानी नाभिक बच गया, क्या बच गया, ये नाभिक। तो आप यूं बोल सकते हो कि अल्फा कण क्या होते हैं, हीलियम का द्विधनावेशित आयन, ऐसे लिख सकते हो, एक तो क्या लिखोगे आप, हीलियम का द्विधनावेशित आयन, हीलियम का द्विधनावेशित आयन, एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट
इसी अल्फा कण में लिख सकते हो हीलियम का नाभिक, हीलियम का नाभिक न्यूक्लियस, इसको भी क्या बोलते हैं अल्फा कण। तो अल्फा कण में दोनों ही पॉइंट सही है। अगर आ जाए हीलियम का द्विविध नावेश डबल चार्ज आयन, द्विविध नावेशित आयन, तब भी ये अल्फा कण है ये। और अगर हीलियम का नाभिक न्यूक्लियस क्या कहलाता है, तब भी क्या ये अल्फा कण, तभी मैंने इसे लिखा प्लस प्लस, और हीलियम पे प्लस टू चार्ज होता है, नाभिक देखिए नाभिक लिख दिया मैंने। इसके ऊपर अल्फा कण जो है ना ये क्या है, इस सोने की पन्नी के ऊपर आके टकराए, टकराने के बाद इस स्वर्ण पत्री के अंदर से निकले अल्फा कण, निकलने के बाद ये अल्फा कण सीधे जा रहे हैं ऐसे, या इनमें थोड़ा बहुत विक्षेपण यानी थोड़ा सा इनकी दिशा चेंज हुई कि नहीं हुई, ये पता लगाने के लिए इसने पीछे क्या एक पर्दा लगा दिया इस तरह से, पीछे क्या लगा दिया इसने एक पर्दा, पर्दा लगा दिया इस तरह से। और जो पर्दा लगाया ना, इस पर्दे पे किसका लेप किया गया याद रखना है, जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया गया, ताकि जहां अल्फा कण आके टकराए ना वहां पर क्या ब्लैक सा काले सा काला सा एक स्पॉट हो जाए, पता लग जाए अल्फा कण इस दिशा से आया था, इतने डिग्री पे मुड़ के यहाँ पे आके टकरा गया। तो याद ये रखना आप, जनरल थोड़ा सा आप छोटी सी डायग्राम बना सकते हो, बड़ा समझने के लिए ज्यादा बड़े चित्र की आवश्यकता नहीं है। और एक पॉइंट याद रखना है, अल्फा कण के रूप में, अल्फा कण है ना, अल्फा कण प्राप्त करने हेतु, अल्फा कण प्राप्त करने हेतु उसने रेडियम को काम में लिया, या ना रेडियम का एक स्रोत रखा, उसमें से अल्फा कण निकाले और इन अल्फा कणों को क्या फिर इस श्रवण पत्री पर क्या अटैक करवाया। तो इसमें प्रयोग में आपको कौन कौन से पॉइंट लिखने, छोटा सा आप डायग्राम बना सकते हो ऐसे, श्रवण पत्री बनाओ, पीछे पर्दा लगा दो, पर्दे पर जिंक सल्फाइड का लेप कर दो, और अल्फा कण दर्शा के इसके ऊपर आक्रमण करवा दो बस। फिर इसमें देखो कौन कौन से पॉइंट लिखने चाहे वो आप लिख लो। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, प्रयोग के अंदर श्रवण पत्री का उपयोग, पहला क्या लिखना है, स्वर्ण पत्री का उपयोग, और आगे लिख लो ब्रैकेट में स्वर्ण पत्री की मोटाई, आगे लिख लो स्वर्ण पत्री की मोटाई, और मोटाई में ये तीनों मान लिखने हैं, लिख लो स्वर्ण पत्री की मोटाई कितनी है, 1000 परमाणु, या लिख दें 10^-7 मीटर मोटी, या 100 नैनोमीटर मोटी, ये सोने की पन्नी है, ये मोटाई याद रखनी है। फिर दूसरा पॉइंट लिखो सेकंड अगला, और लिखो स्वर्ण पत्री पर अल्फा कणों का आक्रमण या बोछार, स्वर्ण पत्री पर अल्फा कणों का आक्रमण या बोछार। फिर नीचे लिखो नोट लगाओ अलग से, नीचे नोट लगाओ और इसमें लिखो, नोट लगा के लिखना अल्फा कण, ऐसे लिखना अल्फा कण लिख के, और आगे लिखो डैश करके लिखना। अब इसका मतलब कि अल्फा कण क्या है वो लिख रहे हैं हम, तो अल्फा कण आगे लिखो डैश करके हीलियम का द्विविध नावेशित आयन, क्या लिखोगे, हीलियम का द्विविध नावेशित आयन, या हीलियम का नाभिक, क्या लिखोगे, हीलियम का द्विविध नावेशित आयन, या हीलियम का नाभिक अल्फा कण कहलाता है, ये लिख लिया। फिर एक पॉइंट लिखना, अल्फा कणों की दिशा जानने हेतु, अल्फा कणों की दिशा जानने हेतु पर्दे पर जिंक सल्फाइड का लेप किया गया, अल्फा कणों की दिशा जानने हेतु पर्दे पर जिंक सल्फाइड का लेप किया गया, ये लिखना है, लिख लोगे आप। उसके बाद फिर एक पॉइंट ये लिखो, अल्फा कण के स्रोत के रूप में, अल्फा कण के स्रोत के रूप में रेडियम का उपयोग किया गया, किसका, रेडियम का उपयोग किया गया है। इस प्रयोग में आपको ये मेन मेन 4-5 पॉइंट याद रखने हैं, छोटा सा आप डायग्राम बना सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, थोड़ा याद रहे आप उस हिसाब से, बाकी अपने को वैसे कलाकारी नहीं करनी है, थोड़ा सा रफली डायग्राम बना लो, थोड़ा याद रहे बस। ये तो इसके एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग के अंदर मेन मेन पॉइंट याद रखने। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है इसका, तो सेकंड पॉइंट कौन सा है, वो है प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन वाला, सेकंड पॉइंट जो इसका वो है ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण वाला। अब उसने ऑब्जर्वेशन मतलब उसने क्या देखा इस प्रयोग में, ये तो प्रयोग किया उसने, प्रयोग होने के बाद इस प्रयोग में उसने क्या देखा, देखे में क्या आएगा, उसने कहा कि अधिकांश कण जो है ना अल्फा कण टकराए उनमें अधिकांश लगभग सारे हो गए, 99.9% लगभग सभी थोड़े से छोड़कर, तो अधिकांश अल्फा कण क्या हो गए, सीधे ही निकल गए। इसके प्रेक्षण में पहला क्या आ गया कि अधिकांश, पहला क्या आ गया, अधिकांश अल्फा कण सीधे ही निकले,
सीधे ही निकल गए, सीधे ही निकल गए, मतलब इसमें कोई विक्षेपण नहीं हुआ, डायरेक्ट जिस दिशा से आए उसी दिशा में सेम वैसे ही इसी लाइन में सीधे निकल गए, कोई इसमें विक्षेपण नहीं हुआ, यहां सीधे आके ऐसे में से निकले बाहर, आगे सीधे प्रदेश टकरा गए। दूसरा सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट में क्या है, अब देखो ये थोड़ी संभावना थी, उसने संभावना व्यक्त की कि लगभग इतने सेकंड हो गए ना तब ये संभावना रहती है। तो उसने कहा अगर 20,000 कण फेंके ना, 20,000 कण फेंके तब ये संभावना रहती है कि एक कण का विक्षेपण जो है ना वो क्या हो, यानी 180 डिग्री के कोण पर हो, कितना हो 180 डिग्री कोण। तो उसने कहा 20,000 कणों में से, 20,000 कणों में से एक कण का विक्षेपण 180 डिग्री के कोण पर हुआ, और तीसरा क्या कहा अगर 2,000 कण फेंके ना यूं, 2,000 कण फेंके तब एक कण की संभावना रहती है कि 2,000 कणों में से एक कण का विक्षेपण, एक कण का विक्षेपण 90 डिग्री के कोण पर हुआ। ये उसने तीन प्रेक्षण देखे, उसने तीन चीजें देखी है। अब तीनों में देखो 2000 में से एक कण का विक्षेपण 90 डिग्री पर, मतलब यहां आया टकरा के अल्फा कण 90 डिग्री कोण पर निकल गया, तो 2000 में से एक कण का विक्षेपण 90 डिग्री पर, और फिर जिसका 10 यानी 10 गुणा कण और ज्यादा फेंके ये संभावना बहुत ही कम है, अगर 20,000 कण फेंकोगे ना तब एक कण की संभावना रहती है कि वो उसका विक्षेपण क्या 180 डिग्री के कोण पर हो, यानी कण टकराया वापिस उसी पथ से लौट गया। और यह तीसरा प्रेक्षण है ना, 20,000 में से एक कण का विक्षेपण 180 डिग्री के कोण पर हुआ, यह देखकर रदरफोर्ड को बहुत अधिक क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि परमाणु यानी इस एल स्वर्ण पत्री जो है, इस सोने की पत्ती के अंदर परमाणु है, उनके अंदर ऐसा क्या है कि जिससे अल्फा कण टकराकर वापस लौट आया। और उसने क्या किया, इस स्टेटमेंट यानी ये प्रेक्षण था तीसरे वाला, 2000 या 20,000 में से एक कण का विक्षेपण 180 डिग्री पर, इस प्रेक्षण को उसने क्या किया, अपने शब्दों में व्यक्त किया, और उसने अपने एक स्टेटमेंट लिखा। और कई बार एग्जाम में स्टेटमेंट लिख देते हैं इसे, और स्टेटमेंट उसने क्या कहा, जैसे आता नहीं अलग अलग महापुरुषों के स्टेटमेंट आते हैं, आप पढ़ते हो तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूं, ऐसे नहीं चलेगा, सुभाष चंद्र बोस लिखा हुआ था ऐसे, इस तरह से इसका नाम भी लिखा हुआ है। और उसने क्या कहा कि यह मेरे जीवन की सबसे अविस्मरणीय घटना है, क्या कहा कि यह मेरे जीवन की सबसे अविस्मरणीय घटना है, जैसे 14 इंच मोटी तोप से निकला हुआ कोई गोला, जैसे 14 इंच मोटी तोप से निकला हुआ कोई गोला कागज के पर्दे से टकराए और वापिस चलाने वाले को चोट कर दे। यह उसने किसने कहा, रदरफोर्ड ने, इस प्रकार की एक आश्चर्यजनक घटना लगी उसको। तो उसने ऐसे स्टेटमेंट लिखा, इसको इस तरह से इन्वर्टेड कोमा लगा के लिखते हैं, उसने क्या कहा, यह मेरे जीवन की सबसे अविस्मरणीय घटना है, यह मेरे जीवन की सबसे अविस्मरणीय घटना है, जैसे 14 इंच मोटी तोप से निकला हुआ कोई गोला किसी कागज के पर्दे, किसी कागज के पर्दे से टकराकर वापिस चलाने वाले को चोट कर दे, चलाने वाले को चोट कर दे। ये इन्वर्टेड कोमा बंद और नीचे लिखा होता है यहां रदरफोर्ड, ऐसे रदरफोर्ड।
तो इसको बहुत अधिक आश्चर्य हुआ कि जैसे मोटी 14 इंच मोटी तोप से निकला कागज का, यानी ये गोला 14 इंच का मोटा तोप से निकला गोला जो है, और वो गोला के कागज के पर्दे से टकरा कर वापिस थोड़ा लौट सकता है, उसको फाड़ देगा, वहां से निकल जाएगा। यह असंभव घटना है, संभव नहीं है ये। उसी प्रकार की क्या है कि ये असंभव घटना थी ये, कि वापस टकरा के वापस लौट गया ये, यानी अल्फा कण। तो इसने इस प्रेक्षण में तीन प्रेक्षण देखे, ये तीनों लिखने आपको, प्रेक्षण वाले पॉइंट में तीन लिखने आपको। पहला, अधिकांश अल्फा कण सीधे ही निकल गई। दूसरा, 2000 में से एक कण का विक्षेपण 90 डिग्री के कोण पर हुआ। तो तीसरा क्या लिखोगे, 20000 में से एक कण का विक्षेपण 180 डिग्री के कोण पर हुआ। ये तीन पॉइंट लिखने, और फिर आपको लिखना ये 180 डिग्री कोण पर हुआ, यह देखकर रदरफोर्ड को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। फिर उसको लिखना रदरफोर्ड के वाक्य लिख के लिखना ये, यह मेरे जीवन की सबसे अविस्मरणीय घटना है। जैसे 14 इंच मोटी तोप से निकला हुआ कोई गोला किसी कागज के पर्दे से टकरा कर वापिस चलाने वाले को चोट कर दे, लिखित रदरफोर्ड। ये इसके क्या है प्रेक्षण में, उसने क्या देखा, देखने के अंदर आएगा सारा ये प्रेक्षण वाली घटना में। और उसी प्रेक्षण वाली घटना के बाद उसने क्या रिजल्ट निकाला, निष्कर्ष निकाला, वो परमाणु संरचना के निष्कर्ष में आएगा। जल्दी उतारो इसको फटाफट। हो गया ये तो प्रयोग, उसके बाद उसने प्रेक्षण किया, और इस प्रेक्षण के बाद उसने क्या फिर निष्कर्ष निकाला, इसका निष्कर्ष क्या है। अब चौथा पॉइंट जो है ना वो है निष्कर्ष का, ये सॉरी तीसरा पॉइंट है वो है निष्कर्ष का। अब देखो निष्कर्ष में, अब उसमें अब देखो कई बार पेपर में प्रश्न आता है कि परमाणु संरचना के रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, अतः परमाणु के अधिकांश भाग में होता है। नंबर एक, अधिकांश भाग खोखला होता है, अधिकांश भाग में प्रोटोन होते हैं, अधिकांश भाग में न्यूट्रॉन होते हैं, अधिकांश भाग में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी उसने कहा कि पहले जो प्रेक्षण जो था ना, उस प्रेक्षण उसने निष्कर्ष क्या निकाला पहले वाले प्रेक्षण का, कि अधिकांश, पहला प्रेक्षण क्या लिखोगे इसमें, पहला नंबर एक इसके निष्कर्ष में, सॉरी पहले निष्कर्ष में क्या लिखोगे, अधिकांश अल्फा कण सीधे ही निकले, सीधे ही निकले, अतः परमाणु का अधिकांश भाग, अधिकांश भाग खोखला यानी खाली होता है। तो याद रखना ये पहले प्रेक्षण का निष्कर्ष है, ये कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकले, अतः परमाणु का अधिकांश भाग क्या खोखला यानी खाली होता है। पहला पॉइंट थी ये। दूसरा पॉइंट सेकंड, दो नंबर सेकंड, और उसने क्या कहा अगले प्रेक्षण में कि कणों का विक्षेपण हो रहा है 2000 में से एक का 90 पर, 20000 में से एक का 180 डिग्री पर। इसका मतलब अल्फा कण विक्षेपित होते हैं, विक्षेपित होते हैं, अतः परमाणु, अब देखो उसने क्या कहा कि 2000 में से एक का 90 पर, 20000 में से एक का 180 डिग्री पर। इसका अर्थ क्या हो गया कि परमाणु का मुख्य भाग जो है उसके केंद्र यानी सेंटर में होता है, जहां से अल्फा कण टकरा कर क्या और विक्षेपित हो, इसको बोलते हैं परमाणु का नाभिक। तो नीचे अलग से लिखेंगे पॉइंट, नाभिक के खोजकर्ता। पेपर में क्वेश्चन आता है कि नाभिक के खोजकर्ता कौन है, तब किसका नाम आता है, रदरफोर्ड का नाम आता है। तो अल्फा कण विक्षेपित होते हैं, तो परमाणु का मुख्य भाग, परमाणु का मुख्य भाग इसके केंद्र में होता है, इसके केंद्र में होता है, जिसे जिसे नाभिक कहा जाता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। तो परमाणु का मुख्य भाग जो उसके सेंटर में है उसको क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। फिर यहां पर आपको नोट लगा के एक पॉइंट लिखना है, यहां नोट लगा के कि नाभिक के खोजकर्ता, कई बार आता है ये नाभिक के खोजकर्ता, खोजकर्ता किसका नाम आएगा, रदरफोर्ड। नाभिक के खोजकर्ता किसका नाम आएगा,
रदरफोर्ड कहा जाएगा। तो नाभिक के खोजकर्ता रदरफोर्ड है। इसके बाद अगला परीक्षण क्या है, ये निष्कर्ष क्या है? अब देखो अधिकांश कण सीधे निकले, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है, ये निष्कर्ष निकाल दिया। और कुछ कण विक्षेपित हो रहे हैं, 2000 में से एक कण का विक्षेपण किस पे हो रहा है, 90 डिग्री पर। 20000 में से एक कण का विक्षेपण 180 डिग्री पे हो रहा है, इसका मतलब परमाणु का मुख्य भाग इसके केंद्र में होता है, जिसको क्या बोलते हैं, परमाणु का नाभिक बोलते हैं। और उसने कहा फिर कि अल्फा कण पर चार्ज प्लस है और ये जाके टकरा के वापस विक्षेपित यानी उसको दूर भगा रहा है। अगर नाभिक माइनस होता ना तो अल्फा कण प्लस आकर्षण होता दोनों के बीच, प्लस माइनस के बीच, तो अल्फा कण नाभिक के ऊपर चिपक जाते, न कि विक्षेपित होते। इसका मतलब रदरफोर्ड ने क्या कहा कि अल्फा कण प्लस है तो नाभिक भी प्लस है और प्लस और प्लस के बीच क्या हो रहा है, रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण, तो उसको दूर धक्का मार रहा है, इसलिए अल्फा कण क्या दूर विक्षेपित और इससे दूर भाग रहे हैं। तो उसने कहा कि नाभिक परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, परमाणु का नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। और जब 1911 में मॉडल दिया गया ना ये, तब परमाणु में प्रोटोन इलेक्ट्रॉन ज्ञात थे, यहां पर यह नाम आ गया परमाणु का नाभिक धनावेशित, मतलब प्रोटोन होते इसमें, इसलिए प्रोटोन खोजकर्ता में कई बार रदरफोर्ड का नाम भी लिख देते हैं, लेकिन वास्तविक खोजकर्ता पीछे बताया मैंने कौन है, गोल्डस्टीन ही है। अगर गोल्डस्टीन इत्तेफाक से नहीं आए, रदरफोर्ड नाम लिखा हुआ छोड़ना नहीं है, क्या करना फिर रदरफोर्ड कर देना है, तो इसलिए इसका नाम आ गया, इस नाभिक की खोज की थी इसलिए इसका नाम इसके अंदर आ गया। तो परमाणु का नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये इसने रिजल्ट निकाला। और आज हम ये मानते हैं परमाणु का नाभिक और इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर ऐसे काटते रहते हैं, ये माज बोलते हैं। और ये रदरफोर्ड ने बताया था। बाद में 1932 में न्यूट्रॉन खोजा गया, तब क्या हो गया, यहां पर फिर न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर आ गया, बस इतना अंतर हुआ है, बाकी सारा रदरफोर्ड वाला ही काम है ये। इसीलिए रदरफोर्ड को क्या बोलते हैं, परमाणु संरचना का जनक भी कहते हैं, इसलिए हमने स्टार्टिंग में लिखा है परमाणु संरचना का जनक। तो उसने प्रयोग किया, स्वर्ण पत्री ली, अल्फा कण लिए, किस प्रकार से मोटाई वगैरह मैंने लिखाई है वो आपको याद रखनी है। फिर उसने क्या देखा वो परीक्षण में, परीक्षण में आपको तीन पॉइंट याद रखने, अधिकां कण सीधे निकल गए, 90 डिग्री पर विक्षेपण 2000 में से, 20000 में से 180 डिग्री विक्षेपण हुआ, उसी विक्षेपण के आधार पर उसने लास्ट में निष्कर्ष क्या निकाला, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकले, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खोखला खाली होता है। अल्फा कण में विक्षेपण हो रहा 90 डिग्री 180 डिग्री पर, इसका मतलब उसका मुख्य भाग उसके केंद्र में होता है, जिसको परमाणु का नाभिक कहते हैं। और परमाणु का नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। और इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये पॉइंट अलग से लिखना है, नाभिक के खोजकर्ता तब किसका नाम आएगा, रदरफोर्ड का नाम आएगा। तो निष्कर्ष में आपको ये तीन चार पॉइंट याद रखने, तो प्रयोग में जो बताया मैंने वो प्रयोग में ये पॉइंट याद रखने, प्रेक्षण वाले पॉइंट याद रखने, लास्ट में आपको फिर निष्कर्ष वाले पॉइंट आपको अलग से याद रखने है। ये उतार लो जल्दी से इसको, निष्कर्ष वाले पॉइंट फटाफट उतारो। अब देखो इस निष्कर्ष के बाद जब उसने अपना ये मॉडल दिया, मॉडल देते ही क्या है, वैज्ञानिकों ने क्या है इसके अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन निकालनी शुरू कर दी और इसके ऊपर टेस्टिंग स्टार्ट हो गई। और टेस्टिंग स्टार्ट हो गई तो इसमें कुछ कमियां निकल आई, और वो कमियां कौन कौन सी है, इस मॉडल में दो तीन कमियां है वो हमें अलग से याद रखनी है। और कमियों में देखो सबसे मुख्य योगदान किसका रहा, मैक्सवेल का रहा, सबसे अधिक किसका योगदान रहा, मैक्सवेल का रहा। अब मैक्सवेल में क्या रहा, अब देखो कमियां, अगला लिखो हेडिंग, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। देखो कमियों में पहला नंबर एक, और कमियों में क्या कर रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं यूं, इस तरह से गोलाकार घूम रहे हैं यूं। लेकिन उस टाइम एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने ऊर्जा का एक सिद्धांत दिया था विद्युत चुंबकीय विकिरणों के लिए, और उसने कहा कि अगर कोई भी आवेशित कण चक्कर लगाए या घूमे तब क्या करता है, वो विकिरणों को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, निरंतर अपनी ऊर्जा को नष्ट करता जाता है, कोई भी आवेशित कण घूमे चले फिरे तो।
ऊर्जा धीरे धीरे उसके क्या होती है, नष्ट होती है। और ऊर्जा नष्ट होगी तो उसका धीरे धीरे वेग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब उसने कहा इसी मैक्सवेल वाले सिद्धांत को वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया, इस रदरफोर्ड मॉडल पे लागू कर दिया। और उसने कहा रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसे चक्कर काट रहे हैं। फिर कहा कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, माइनस, ये भी ऋणावेशित कण है। और मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार ऋणावेशित कण गति करेगा तो निरंतर क्या करेगा, ऊर्जा को नष्ट करता जाएगा। और अगर उसकी ऊर्जा नष्ट होती गई, जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मान लो इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और घूमते घूमते यूं आया ये, जब वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंचेगा तब इसकी ऊर्जा पहले वाले ऊर्जा के समान नहीं रही, इसकी थोड़ी ऊर्जा कम होगी, ऊर्जा धीरे नष्ट होगी, कम होती तो इसका पथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसे थोड़ा छोटा हो गया। अगली बार फिर घूम के आया तो इसका ऊर्जा का मान और घट गया, धीरे धीरे इसका पथ क्या हो गया, छोटा हो गया। और ऐसे करते करते लास्ट में कहां गिर गया, वो नाभिक के अंदर गिर गया। और नाभिक में गिरते ही परमाणु का अस्तित्व क्या हो गया, खत्म, परमाणु अस्थायी हो गया, और जो कि संभव नहीं है। संभव नहीं है तो ये नहीं हो सकता, और ये क्यों नहीं होता, कारण क्या इसका, तो इसका कारण पूछा गया किससे, रदरफोर्ड से। रदरफोर्ड इसकी व्याख्या नहीं कर सका। तो कमी में लिखो पहली कमी, एक कमी पहले लिख लो नंबर एक, और इसमें लिखो मैक्सवेल सिद्धांत के अनुसार, मैक्सवेल सिद्धांत के अनुसार आवेशित कण गति करने पर, आवेशित कण गति करने पर निरंतर ऊर्जा को नष्ट करता है, निरंतर ऊर्जा को नष्ट करता है, अतः इलेक्ट्रॉन भी एक आवेशित कण है, अतः इलेक्ट्रॉन भी एक आवेशित कण है जो निरंतर अपनी ऊर्जा को नष्ट करता हुआ, जो निरंतर अपनी ऊर्जा को नष्ट करता हुआ अपना पथ छोटा करता जाएगा, अपना पथ छोटा करता जाएगा और अंत में नाभिक में गिर जाएगा, और अंत में नाभिक में गिर जाएगा, अतः इससे परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। इसकी व्याख्या, इसकी व्याख्या रदरफोर्ड के द्वारा नहीं की जा सकी, इसकी व्याख्या रदरफोर्ड के द्वारा नहीं की जा सकी। मतलब अंदर क्यों नहीं गिरता, लगातार घूमता रहता है ये, तो अंदर क्यों गिरता क्यों नहीं, कारण क्या, इसका कारण रदरफोर्ड नहीं समझा सका। नीचे डायग्राम बना लो आप, ये कमी में एक तो ये, फिर लिखो दूसरा दो नंबर कमी में, उसने क्या कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। किसी ने पूछ लिया आप में से कितने काटते हैं, तो सेकंड क्या रह गया, उसने इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, तो सेकंड क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में जानकारी नहीं दी, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में जानकारी नहीं दी, एक पॉइंट ये लिखो, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। तीसरा पॉइंट, थर्ड, और तीसरा पॉइंट क्या है कि मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार जब ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन घूमेगा निरंतर ऊर्जा को निकालेगा ऐसे बाहर, और अगर निरंतर ऊर्जा निकलेगी तो अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्पेक्ट्रम प्राप्त करें तो अगर निरंतर ऊर्जा प्राप्त होती जाएगी तो स्पेक्ट्रम कैसा मिलेगा, सतत मिलेगा लगातार। इसका मतलब परमाणु का स्पेक्ट्रम क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। परमाणु का स्पेक्ट्रम क्या होता है, ऐसे लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, ऐसे रेखाएं मिलती है, परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है, लाइन स्पेक्ट्रम, अणु का बैंड यानी पट्टी वाला स्पेक्ट्रम बनता है, यौगिक का क्या है, कंपाउंड का कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल स्पेक्ट्रम बनता है, तो परमाणु का रेखीय बनता है। और इस हिसाब से क्या है, परमाणु का क्या होना चाहिए, सतत स्पेक्ट्रम होना चाहिए, जो कि सही नहीं है, लेकिन वास्तव में होता क्या है, रेखीय स्पेक्ट्रम होता है परमाणु का। रेखीय क्यों होता है, सतत क्यों नहीं होता, इसके कारण की व्याख्या रदरफोर्ड के द्वारा नहीं की जा सकी। फिर लिखो तीसरा पॉइंट, लिखो इलेक्ट्रॉन निरंतर ऊर्जा नष्ट करने से परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होना चाहिए, परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होना चाहिए,
लेकिन वास्तव में परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है, रेखीय यानी लाइन, परमाणु का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम यानी रेखीय होता है। इसकी व्याख्या रदरफोर्ड के द्वारा नहीं की जा सकी, इसकी व्याख्या रदरफोर्ड के द्वारा नहीं की जा सकी। इसमें कुछ कमियां रहेगी, फिर भी कमी रहने के बावजूद भी यह मॉडल क्या है, बहुत अधिक फेमस हुआ, क्योंकि सबसे पहले प्रैक्टिकली यानी परमाणु के बारे में जानकारी देने वाला वैज्ञानिक कौन है, रदरफोर्ड है, जिसके प्रयोग प्रेक्षण और निष्कर्ष ये तीनों याद रखने, एग्जाम में इनमें से छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं। अल्फा कण क्या है, सवर्ण पत्री की मोटाई कितनी है, पर्दे पे किसका लेप किया गया, इस तरह से। और फिर आपको एक पॉइंट याद रखना है, रदरफोर्ड ने फिर क्या कहा कि परमाणु की साइज जो होती है ना, वो होती है परमाणु का आकार। अगर लिखूं मैं, नीचे लिख लो एक पॉइंट ये और, परमाणु का आकार कितना होता है, 10^-10 मीटर, या इसको लिखते हैं सेंटीमीटर में, लिखें 10^-8 सेंटीमीटर परमाणु का आकार। और नाभिक का आकार जो होता है ना, नाभिक का आकार कितना होता है, 10^-15 मीटर या 10^-10 मीटर, ये सेंटीमीटर, सॉरी 10^-10 सेंटीमीटर, इस तरह से। अब देखो परमाणु का साइज, नाभिक का साइज, इन दोनों के बीच अंतर कितना है, अगर कह देना यूं कि परमाणु का आकार नाभिक के आकार की तुलना में कितना होता है, परमाणु बटे नाभिक बराबर 10^-10 बटे 10^-15 मीटर। ऊपर आएंगे तो 10^+15 मीटर हो जाएंगे ये, और 15 प्लस होते ही 10^ क्या रह गया, 5 प्लस का रह गया। इसका मतलब परमाणु का आकार जो है ना, परमाणु का आकार यूं लिख दे, परमाणु बराबर नाभिक के आकार को 10^15 से गुणा कर दे, तब क्या परमाणु का आकार आएगा। इसका मतलब आप क्या लिखोगे कि परमाणु का आकार नाभिक की तुलना में 10^5 गुना बड़ा होता है। एक पॉइंट लिख लो ये, एक तो लिख लो परमाणु का आकार और नाभिक का आकार लिख लो, लिख के फिर नीचे एक पॉइंट लिखो, परमाणु का आकार नाभिक की तुलना में 10^5 गुना बड़ा होता है, या उल्टा लिख लो चाहे, नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में 10^5 गुना छोटा होता है, ऐसे बोल सकते हो आप, परमाणु के दृष्टिकोण से बोलो, रेफरेंस से, या परमाणु ये नाभिक के रेफरेंस से बोलो या परमाणु के रेफरेंस से बोलो, तब 10^5 गुना दोनों का अंतर है, ये याद रखना ये। और ये मानते हैं कि अगर फुटबॉल का मैदान मान लेना ग्राउंड, तो फुटबॉल का अगर ग्राउंड है वो पूरा परमाणु है, उसके बीच में रखी फुटबॉल है, वो एक नाभिक की तरह काम करती है, इतना छोटा क्या नाभिक का आकार होता है, और बिल्कुल छोटा नाभिक का आकार जिससे क्या अल्फा कण टकरा कर क्या हो गए थे, विक्षेपित यानी थोड़े से विचलित हो गए थे। ये तो है परमाणु संरचना का रदरफोर्ड मॉडल, यहां तक हो गया। तो आज हमने पढ़ा यहां परमाणु संरचना का थॉमसन मॉडल, उसके नाम, फिर परमाणु संरचना का रदरफोर्ड मॉडल, इसके मेन मेन 4-5 नाम याद रखने, फिर इस मॉडल के 3 पार्ट हमने किए, तीनों पार्टों में हमने मेन मेन चीजें जो है एग्जाम में, इनके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे, यही चीजें आपको मेन मेन याद करनी है। और फिर परमाणु संरचना के इस रदरफोर्ड मॉडल की कमियां क्या रहेगी, हमने कमियां लिखी है, और फिर एक परमाणु की और नाभिक का साइज कितना है, ये थोड़ा सा आपको साइज भी याद रखना है, कई बार इसमें क्वेश्चन मीटर या सेंटीमीटर दोनों में याद रखना है, तब दोनों के अंदर ही पूछ सकते हैं, तब कोई भी आ जाए आप आराम से, आपको करना आना चाहिए। और परमाणु की साइज नाभिक की साइज की तुलना 10^5 गुना बड़ी होती है, ये थोड़ा आपको याद रखना है। यहां तक हमारे आज परमाणु संरचना के 2 मॉडल हो गए, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे परमाणु संरचना का बोर मॉडल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।